नमस्कार, मैं हूं आलोक। आप देख रहे हैं आलोक ब्लॉग और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपनी पृथ्वी के सबसे बड़े और रहस्यमय हिस्से समुद्र के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो पहुँचता रहे। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रहस्य पृथ्वी के सबसे बड़े भाग समुद्र में छिपे हैं। हम इंसान अभी तक समुद्र की गहराई को सिर्फ 11 किलोमीटर तक ही माप सके हैं और इस 11 किलोमीटर की गहराई में क्या छिपा है तो आप इस वीडियो में जानेंगे। चलिए समुद्र की गहराई को मापते हैं। अभी आपको जो डॉट दिखाई दे रही है वो एवरेज ह्यूमन साइज है और इससे बड़ा बस का आकार है और ये है अभी तक इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी शिप है। अब समुद्र की गहराई में नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। समुद्र तल से 40 मीटर की गहराई स्कूबा डाइविंग के लिए मैक्सिमम गहराई मानी जाती है। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि स्कूबा डाइविंग क्या होता है। स्कूबा डाइविंग एक पानी के नीचे की तैराकी गतिविधि है जिसमें स्वनिहित पानी के नीचे श्वास तंत्र का उपयोग शामिल है। अब बात करेंगे इससे नीचे की, तो इससे नीचे 93 मीटर की गहराई में उतरने पर RMS लुसितानिया जहाज का मलबा मिलेगा। इससे नीचे 100 मीटर की गहराई पर स्कूबा डाइविंग बेहद खतरनाक हो जाती है। इससे नीचे 214 मीटर की गहराई तक हवर्ट निचले स्कूबा डाइविंग की एक और रिकॉर्ड बनाया। इससे नीचे 332 मीटर की गहराई तक जाने का एक और स्कूबा डाइविंग अहमद गब्र ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे नीचे 443 मीटर की गहराई तक जाने पर हमें मिलेगी वो गहराई जितनी ऊंची बिल्डिंग जमीन से दिखाई देती है। इससे और नीचे 500 मीटर तक जाते हैं तो ये वो गहराई है जहां तक ब्लू व्हेल गोता लगाती है। इससे और नीचे की गहराई ब्लू व्हेल के लिए खतरनाक हो जाती है क्योंकि जैसे जैसे समुद्र की गहराई में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पानी का दबाव बढ़ता जाएगा और इसी गहराई तक वोल्फ क्लास न्यूक्लियर सबमरीन गोता लगाती है। इससे नीचे 535 मीटर की गहराई तक पेंगुइन गोता लगाती है। इससे नीचे 830 मीटर की गहराई में जाने पर हमें वो गहराई मिलती है जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की हाइट है। जैसे ही हम 1000 मीटर की गहराई में जाते हैं तो हम इस जोन में पहुंच जाएंगे और इस गहराई से नीचे छिपे हैं अनजाने रहस्य। गहराई के बाद समुद्र में लाइट भी आगे नहीं पहुंच पाती जिसकी वजह से समुद्र की बाकी की गहराई में डार्कनेस फैली हुई है। इस पॉइंट पर पानी का दबाव उतना ही होगा जितना शुक्र ग्रह की सतह पर है, मतलब इस गहराई पर इंसान पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। इससे नीचे मिलेंगे समुद्र में रहने वाले वो दानव जो एक बड़ी शिप को ही निगल जाए। 1280 मीटर की गहराई तक पहुंचने पर हमें वो गहराई मिलेगी जहां तक कछुए गोता लगाते हैं। 2000 मीटर गहराई पर हमें मिलेगा एक बड़ा दानव जिसको ब्लैक ड्रैगन फिश बोलते हैं। मजे की बात तो ये है कि इस गहराई पर घना अंधेरा होने की वजह से ये दिखाई भी नहीं देता। अगर किसी लाइट सोर्स से इसको देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। 2250 मीटर की गहराई पर पहुँचने पर हमें वो गहराई मिलेगी जहाँ तक कोलोलस स्क्वाड और स्पर्म व्हेल गोता लगाते हैं। स्पर्म व्हेल और कोलोलस स्क्वाड में जंग होती रहती है जिस वजह से स्पर्म व्हेल के ऊपर मार्क्स बन जाते हैं। कोलोलस स्क्वाड 14 मीटर तक लंबी होती है और इसका वजन 750 किलोग्राम तक होता है और जिस फुटबॉल से आप खेलते हो ना उसके आकार की तो इसकी आँखें होती है। इससे नीचे 3800 मीटर की गहराई में जाने पर हमें RMS टाइटेनिक का मलबा मीलेगा। इससे नीचे 4000 मीटर की गहराई तक पहुंचने पर हम समुद्र के एसल जोन में प्रवेश कर जाएंगे। इस पॉइंट पर वाटर प्रेशर 11000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है और इस गहराई में रहते हैं ऐसी समुद्री दानव जिनकी कल्पना करना ही रोंगटे खड़ी कर देती है, जैसे फिंगतूत, एंगलर फिश और वाइपर फिश। इससे नीचे 4200 मीटर की गहराई में जाने पर हमें समुद्र की औसत गहराई मिलती है, मतलब कि कहीं समुद्र ज़्यादा गहरा है तो कहीं गहराई कम है। इस सब का औसत निकाला जाए तो 4200 मीटर है। इससे नीचे लगभग 4700 मीटर की गहराई में हमें बैटलशिप का मलबा मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।